असल डियर स्टूडेंट्स होप यू आर आल फाइन अब तक हमने दो मैथडस ऑफ़ नेशनल इनकम डिस्कस किए आज हम तीसरे मैथड की तरफ जाएंगे दैट इज़ एक्सपेंडिचर मैथड आप जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो से हमें पता चला कि देर आर थ्री फेजेज़ ऑफ नेशनल इनकम तो इनमें से एक फेज एक्सपेंडिचर फेज है और इस फेज़ के लिए हमारे पास एक्सपेंडिचर मैथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ठीक है ना और इस मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है या कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड ठीक देखिए इस मेथड के जरिए हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं बाय टेकिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस व्हाट डज दट मीन देखिए अगर जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वी फाइंड जी डी पी एट मार्केट प्राइस एज टोटल एक्सपेंडिचर किस पे ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री डूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर तो इस मेथड के कुछ कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट्स एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजन एक्सपेंडिचर लेट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी प्राइवेट फाइनल को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाई द हाउस होल्डर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इसके तीन कंपोनेट प्राइवेट फाइनल कंजन एक्सपेंडिचर के तीन कंपोनेंट्स हैं ए होता है एक्सपेंडिचर ऑन डूरेबल गुड्स जो रिपीटली यूज होते हैं जैसे टेलीविजन है रेफ्रिजरेटर है फर्नीचर है एक और कंपोनेंट है जिसपे हम प्राइवेट कंजन एक्सपेंडिचर करते हैं दैट्स आ नॉन ड्यूरेबल नॉन डूरेबल वो गुड्स होते हैं जैसे ब्रेड है बटर है मिल्क है ठीक तीसरा है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है है ना कम्युनिकेशन वगैरह ये एक एक कंपोनेंट हुआ दैट्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो दूसरा कंपोनेंट है इसका दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर Let us represent it by G. It refers to the expenditure by government on the final goods and services. And the third component is Gross Domestic Fixed Capital Formation. Gross Domestic Fixed Capital Formation. Let us represent it by A. Gross Domestic Fixed Capital Formation. It refers to the expenditure by producers on fixed assets in of depreciation. ठीक इसे हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक फिक्सड इन्वेस्टमेंट भी इसे कहा जाता है इट इज ग्रास बिकॉज इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन इट्स बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी इट्स कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन बिकॉज इट एड्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकॉनमी ठीक वो जो ये फिक्सड इन्वेस्टमेंट होती है इट इंक्लूड्स टू थिंग्स नंबर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट बिजनेस फिक्सड इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस फिक्सड इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट बाई फर्मजेज ऑफ एसेट्स फिक्सड एसेट्स इसका दूसरा कंपोनेंट है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस। एंड द थर्ड कंपोनेंट इट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट बाय एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक रोड्स डैम्स ब्रिजिज एट्ट्रा ठीक तो वह गई तीन कंपोनेंट, जो चौथा कंपोनेंट है इस एक्सपेंडिचर का दैट इज चेंज इन स्टॉक्स चेंज इन स्टॉक्स डिचर प्रोड्यूसर्स इनट्रीज इनवेंट्रीज इन स्टाक जैसे कल आपने जाना चेंज इन स्टॉक बराबर होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक वो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इट इंक्लूड्स एडिशन टू तो द स्टाक ऑफ फिनिश गुड्स अनसोल्ड स्टॉक जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इनक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिनिशड जिसे हम अनसोल्ड स्टाक कहते हैं सेमी फिनिशड गुड्स एंड एडिशन टू दॉ मटेरियल तीन तरह का स्टॉक हमारे पास होता है एक अनसोल्ड होता है और दूसरा होता है सेमी फिनिश गुड्स जो पूरी तरह तैयार नहीं हुए होते हैं और रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर के पास मौजूद है इस इन सब चीज़ों को कहते हैं इन्वेंट्री क्या कहते हैं इन्वेंट्री और याद रखे अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम चेंज इन स्टॉक इसको हम रिकॉर्ड करते हैं द परचेज बाई द प्रोड्यूसर्स दैम एंड द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एक्सपोर्ट्स हम एक्सपोर्ट्स पे खर्च करते हैं इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाई नॉन रेजिडेंट्स ऑन आवर प्रोडक्ट एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट इज इम्पोर्ट्स जानते हैं आप इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाई द रेजिडेंट हाउस होल्ड ऑन द गुड्स प्रोड्यूसड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट right? और इन इम्पोर्ट्स को हम एक्सपोर्ट से डिडक्ट करते हैं दस इस तरह से अगर हम इन कम्पोटेंट्स को ज्वाइन करें मिलाएं तो वी विल गेट ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस जी कंज्शन गवर्नमेंट फाइनल कन्ज्पशन एक्सपेंडिचर एंड एफ एफ इज द फिक्सड कैपिटल फार्मेन प्लस चेंज इन स्टॉक्स प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस एक्स माइनस एम दैट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स राइट तो ये बनता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर इस ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम लेस करें डेप्रिसन तो ये बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर हम इससे माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वी विल गैट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट अगर हम इसमें ऐड करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉड यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास््ट विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम

राइट right? अब ध्यान से देखिए हाँ एक बात यहाँ आपके याद रखनी है जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं नेशनल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए ऑनली द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज टू बी कंसिडर्ड नॉट द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स ठीक और ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ यहाँ भी आपको याद रखना है फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो विच आर प्रोड्यूस फॉर फाइनल कंजप्शन और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होते हैं ठीक है ना दिस इज द सिंपल प्रोसीजर ऑफ द मेथड तो इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे हाँ कैसे ये मेथड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और हम देखेंगे रिकर्न ऑफ द थ्री मेथड्स ठीक तो हम कैसे कौन सा मेथड कब इस्तेमाल कर